इधर पीएम मोदी अपनी मां हीराबेन से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे, तो उधर राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर पीएम मोदी की मां के लिए एक संदेश लिख दिया। पीएम मोदी की मां हीराबेन की सेहत अचानक खराब होने की खबर सामने आते ही ट्विटर पर संदेशों का अंबार लग गया है। हर कोई पीएम मोदी की मां की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ट्विटर पर इस वक्त हीराबेन मोदी और पीएम मोदी मदर टॉप ट्रेंड पर है। पीएम मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ने की खबर सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से फैल रही है। ट्विटर पर बहुत सारे यूजर्स हीराबेन की सलामती की दुआएं कर रहे हैं। इनमें बीजेपी नेता और समर्थक तो हैं ही, तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी पीएम मोदी की मां की सलामती की दुआएं की जा रही हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का, जो लगातार अपनी रैलियों में अपनी भारत जोड़ो यात्रा से पीएम मोदी पर हमला करने से गुरेज नहीं करते। तो वहीं आज जब पीएम मोदी की मां की तबीयत खराब होने की सूचना मिली, तो राहुल गांधी ने उनकी मां की तबीयत खराब होने पर संवेदना व्यक्त की। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, एक माँ और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूँ आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ। इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। राहुल गांधी ने जैसे ही पीएम मोदी की माँ के लिए ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों का अंबार लग गया। दिखाएंगे आपको जनता के ट्वीट, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी अपनी मां को देखने के लिए अस्पताल पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी की मां हीराबेन अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती हैं। कल रात से उन्हें यहां भर्ती किया गया है और जैसे ये खबर पीएम मोदी तक पहुंची, वो तुरंत अपनी मां से मिलने के लिए निकल पड़े। पीएम मोदी ने अस्पताल पहुंचकर अपनी मां हीराबेन का हालचाल जाना। लेकिन आपको देखना चाहिए कि राहुल गांधी ने जैसे ही पीएम मोदी की मां के लिए ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर लोग उन पर क्या बोल रहे हैं। अमित क्वात्रा लिखते हैं, पहली बार तुमने कुछ अच्छा बोला है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि सब कुछ एक तरफ और ये भारतीय राजनीति की सुंदरता है। जब किसी का परिवार मुश्किल में होता है तो सब एक साथ आ जाते हैं। नेक नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है कि ये सही तरीका है। मैंने कभी आपको एक राजनेता के तौर पर सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आपके इस दृष्टिकोण की मैं प्रशंसा करता हूँ। राजेश राय लिखते हैं, राहुल गांधी जी धन्यवाद आपकी शुभकामना के लिए। आपकी ही तरह मैं भी और हर भारतीय से आग्रह करता हूं कि सब प्रार्थना करें प्रधानमंत्री जी की माता हीराबेन मां जल्द स्वस्थ होकर घर आए परिवार के बीच। साथ ही राहुल जी, आपकी माता जी का आशीर्वाद आप भाई बहन व समस्त परिवार पर बना रहे। सोनिया जी स्वस्थ रहें। तो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि कुछ भी हो, राहुल गांधी ने सही कहा। आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।